गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 22nd of December और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेली का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो जो फर्स्ट सबसे पहली हमारी आज की न्यूज़ है वो है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो चाइना में बहुत ज़्यादा अभी हम देखते हैं कि सीवियर हो रखा है, तो सीवियरिटी हो रखी है कि और ये स्पाइक जो है चाइना लिंक टू द स्पाइक सीक्वेंस्ड इन इंडिया, इट इज़ लिंक टू द स्पाइक सीक्वेंस इन इंडिया। ये कहा जा रहा है कि BF इसका एक वेरिएंट है, दैट इज़ BF.7, ये पहले गुजरात और उड़ीसा में इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था, बट इट इज़ नॉट लिंक्ड टू इंक्रीज सिवियरिटी, ठीक है, कोई इन्फेक्शन इससे नहीं हुई थी, तो उसी चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। तो लेकिन ऐसा इंडिया ये कह रहा है कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो BF.7 नहीं है, क्योंकि हमें इससे हमारे इंडिया में इससे केसेस बहुत कम है, लेकिन चाइना में ज़्यादा है। ओके, तो इंडिया में जो है ये इसका कंसर्न क्यों नहीं है, इंडिया में जो डोमिनेंट वैरायटी है वो AB5 है, बट दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सट्रीमली लिमिटेड नंबर्स। ओके, तो वी कैन नॉट कंक्लूड और वी कैन नॉट से कि यही वैरायटी है। तो ये जो BF.7 है ये इंडिया में इतना सीवियर क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इट बिहेव डिफरेंटली इन पॉपुलेशन दैट हैज बीन मिनिमली एक्सपोज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमली एक्सपोज, कि आप बहुत कम वेरिएंट से एक्सपोज हुए, जबकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मल्टीपल डोजेस से एक्सपोज हुई है। कैसे, एक तो वैक्सीन में हमारे सेवरल वेरियंट्स थे, ठीक है, और इस वजह से जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके ऊपर BF.7 जो है इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है जितना कि उन लोगों के ऊपर है जो मिनिमली एक्सपोज है। ओके, तो एक और हमारे एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि इंडिया का जो मेन कंसर्न है वो BF.7 ना होके XBB है। व्हाट इज XBB? XBB एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है जो कि दो लीनेजेस, दो वायरसेस को मिला के बना है, BA.1 एंड BA.2.75। तो हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज XBB, नॉट द BF.7। थोड़ा सा हम अपना कोविड का बेसिक सा रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज कोविड? इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कोरोनाविरिडी, ठीक है, एंड इट इज़ द लैटिन वर्ड फॉर क्राउन। हमें पता है कि क्राउन लाइक शेप होता है जिस वजह से इसका नाम कोविड पड़ा है। इट इज़ जूनॉटिक क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमंस के बीच में ट्रांसमिट होता है, इस वजह से ये जूनॉटिक है। दो तरह के ऑलरेडी कोविड वायरसेस पहले भी थे, दैट इज़ मर्स एंड सर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ RNA जीनोम, ये आपने याद रखना है, नॉट द DNA बट RNA। लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं कि हमें एक सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो इसका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज RNA, नॉट द DNA। दिस ब्लू वन, ठीक है, जो लाइट ब्लू है दैट इज RNA। उस लाइट ब्लू के ऊपर ये जो राउंड से बने हुए हैं दैट इज न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। तो RNA और न्यूक्लियर प्रोटीन आर इनसाइड दिस कैप्सिड, ठीक है, एंड उसके बाद एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंड स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिसको ये यूज़ करते हैं फॉर द अटैचमेंट एंड एनवेलप। जो एनवेलप के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है वो एनवेलप बना हुआ है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिसका नाम है E-प्रोटीन्स। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम देखते हैं कि हमने सुना कि इनके नॉमनक्लेचर्स हैं, है ना, अल्फा, फिर हम सुनते हैं बीटा आ गया, फिर डेल्टा आ गया, अब ओमिक्रॉन आ गया। तो ये जो नेम्स हैं ये कैसे होते हैं, ये जो नेम्स हैं ये WHO डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स। ओके, टू अवॉइड द कंट्रीज फर्स्ट डिटेक्टेड बीइंग स्टिग्मटाइज्ड, कि हम चाइना को, कैसा नहीं है कि चाइना की वजह से हो रहा है, किसी भी कंट्री का हम नहीं करते, तो ग्रीक अल्फाबेट्स को इन्होंने किया है। तो WHO ने ओमिक्रॉन नेम सजेस्ट किया, पहले जो अगर हम लाइन में देखें अल्फा बीटा गामा, उसके बाद ये अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद ये न्यू और जी आना था, लेकिन WHO ने न्यू और जी को हटा के ओमिक्रॉन चीज चूज किया, क्योंकि जी जो है वो चाइना में एक बहुत पॉपुलर नेम है और न्यू का मतलब न्यू हो सकता था, तो इस वजह से ओमिक्रॉन किया गया। आपको इतनी डिटेल नहीं करनी, जस्ट रिमेंबर कि ये ग्रीक अल्फाबेट्स के बेसिस पे WHO इसको नॉमनक्लेचर जो है करता है। नेक्स्ट हम टर्म सुनते हैं कि ये वैरायटी ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो हर वेरिएंट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं होगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न होने के कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो क्राइटेरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर वेरिएंट फॉलो करता है तभी वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ ट्रांसमिसिबिलिटी, मोर सिवियर डिजीज, इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। देखो, हमारी बॉडी को वैक्सीन दी गई, तो वैक्सीन ने जाके क्या किया, वैक्सीन ने हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट किए। एंटीबॉडीज जो कि एक तरह के प्रोटीन है,
जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, आपको पता है वैक्सीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि वैक्सीन्स आर नथिंग बट वायरस। तो हमें वायरस दिया जाता है हमारी बॉडी को, उसको वीक करके, और हमारी बॉडी उस वायरस से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज या फिर प्रोटीन्स बनाती है। जब भी हमें नेक्स्ट टाइम वो वायरस अटैक करेगा तो वो बॉडी जो है इन एंटीबॉडीज से उस वायरस को पहले ही अटैक कर देगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो जो भी वायरस जाके इन एंड अब जब अभी कोई भी अभी मुझे कोविड हुआ, ठीक है, कोविड की मुझे वैक्सीन लगी, तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। अब मुझे जब नेक्स्ट टाइम कोई भी वायरस अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी और उस वायरस को खत्म कर देंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएंट है जो उस एंटीबॉडीज को ही खत्म कर दे, ओके, जो उन एंटीबॉडीज को ही खत्म कर दे या फिर उन एंटीबॉडीज का इस वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, देन इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसके ऊपर तो आपकी वैक्सीन भी काम नहीं कर रही। रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस खत्म हो रही है, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस खत्म हो रही है ये। एंड द न्यू वेरियंट्स दे कुड किक ऑफ न्यू वेव ऑफ एपिडेमिक ट्रांसमिशन, ठीक है, उससे नया एपिडेमिक भी हो सकता है। तो ये कुछ हैं जिसके बेसिस पे हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज्ड, हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज, डेथ्स हो गई, एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आपका उसमें एपिडेमिक जो है वो ट्रांसमिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो WHO ने अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, अभी तक 5 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। वन इज अल्फा, UK में मिला था ये, अनदर इज बीटा साउथ अफ्रीका में, गामा ब्राजील में, डेल्टा, ठीक है, इंडिया में, इट स्प्रेड मोर इजली, ओके, एंड ओमिक्रॉन जो कि अभी न्यूज में है, ये मल्टीपल कंट्रीज में हुआ है। अर्लियर स्टडी शो दैट इट स्प्रेड मोर इजिली। तो दीज आर 5 आर वेरियंट्स ऑफ कंसर्न। हमने देखा वेरियंट्स ऑफ कंसर्न किस बेसिस पे, ट्रांसमिसिबिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा है, डेथ्स ज़्यादा हैं, ठीक है, इन सब के बेसिस पे हमने उनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन, वेरिएंट एंड स्ट्रेन। देखो, दिस इज द पेरेंटल स्ट्रेन, ठीक है, जो पेरेंटल कोविड है वो ये है, पेरेंटल जो है कोविड है वो ये वाला है। ओके, तो ये है, ये RNA हो गया इसके अंदर, ये न्यूक्लियर कैप्सिड हो गया, ये प्रोटीन हो गया। अब इसमें म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, एक स्मॉल सा चेंज हो गया, तो चेंज होके जो बना, ठीक है, चेंज हो गया RNA में, एक स्मॉल सा चेंज हो गया, ये देखो पहले RNA ऐसा था, अब इसके ऊपर ये राउंड राउंड से लग गए, तो ये स्मॉल चेंज हो गया, चेंज इन RNA, नाउ इट इज अ वेरिएंट, इट इज न्यू, नॉट अ न्यू वैरायटी, इट इज अ वेरिएंट ऑफ पेरेंटल स्ट्रेन। अब न्यू स्ट्रेन कब बनेगा, चेंजेस इन RNA एंड वायरस बिहेवियर, तब वो हो गया आपका न्यू स्ट्रेन। ओके, तो म्यूटेशन एक सडन चेंज हुआ और RNA में थोड़े से चेंजेस करे, देन इट इज कॉल्ड वेरिएंट। अब अगर इसमें इसका ये अलग ही तरह से बिहेव कर जाए, कोविड की कोविड से छोड़ के कुछ अलग ही बिहेव करने लग जाए, देन इट विल बी अ न्यू स्ट्रेन। ठीक है, ये आप पीछे भी देखो, म्यूटेशन, वेरिएंट एंड स्ट्रेन का डिफरेंस दिया गया है। म्यूटेशन, वेरिएंट एंड स्ट्रेन, व्हेन द वायरस रेप्लिकेटेड डजंट ऑलवेज मैनेज टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डबल होना वायरस का। ओके, रेप्लिकेशन इज कि वायरस का मल्टीप्लीकेशन होगा, एक से दो बन गए, दिस इज द रेप्लिकेशन। तो ये हमेशा अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, यही तो वायरसेस के साथ सबसे बड़ा इशू है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, लेकिन वायरसेस नहीं बनाते, इसीलिए इनको ट्रैक करना, इनको अटैक करना इज डिफिकल्ट। आप एक वायरस, आप इसके लिए कोई मेडिसिन बना लोगे, लेकिन जैसे ये रेप्लिकेट हुआ, जो कि ये बहुत फास्ट होता है, ये कुछ नया ही बन गया, ये कुछ नया ही बन गया, तो इसीलिए वायरसेस को ट्रैक करना इज डिफिकल्ट। दिस मीन्स ओवर द टाइम वायरस में स्टार्ट टू डिफर स्लाइटली इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस। RNA में चेंजेस हमने देखा कि हो रहे हैं। द एनी चेंजेस टू वायरल जेनेटिक सीक्वेंस इज नोन एज म्यूटेशन। वायरसेस विद न्यू म्यूटेशन आर कॉल्ड वेरियंट्स। दे कैन डिफर बाय ओनली वन और मल्टीपल म्यूटेशन। जब एक न्यू वेरिएंट आता है विद डिफरेंट फंक्शनल प्रॉपर्टीज, ओके, तो वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ एक दो म्यूटेशंस होंगी, लेकिन जब फंक्शनल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, देन इट इज द न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस म्यूटेशन, वेरिएंट एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट न्यूज इज NGOs, एक स्टेटमेंट आया है कि हमारे होम मिनिस्टर का, कि उन्होंने बोला है कि NGOs जो कि FCRA रूल को फॉलो नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी टॉलरेटेड। ओके, कि एक वैसे कैंपेन चलाया था NGOs के साथ गवर्नमेंट ने मिलके ड्रग मैनस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह जी ने कहा है कि NGOs हु डिड नॉट फॉलो द FCRA रूल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड।
अब हम देखते हैं कि ये FCRA रूल्स है क्या, ये बाकी न्यूज़ में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी न्यूज़ में बस एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने BSF, SSB और असम राइफल्स को केसेस रजिस्टर करने की परमिशन दी है अंडर NDPS एक्ट, ठीक है। जो भी ड्रग्स रिलेटेड केसेस हैं वो ये भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है दैट इज़ वॉट इज़ FCRA, ये क्या रूल्स हैं, और ये हम एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। वॉट इज FCRA, फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमारा एक्ट है, ठीक है। तो ये एक्ट बनता है क्या, इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी इन 1966। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1976 में ये हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम के, दिस इज टू कर्ब द फॉरन डोनेशंस, कि इंडिया में जो फॉरन डोनेशंस हैं वो इंडिया के अगेंस्ट ही ना वर्क करें, ठीक है। इंडिया में आप फॉरेन डोनेशंस मंगा लो, उस टाइम पे था कि इंडिया में इमरजेंसी के टाइम पे थोड़ा डिस्टरबेंस चला हुआ था, तो फॉरेन डोनेशंस आ रहे थे इंडिया में थोड़ा डिस्टरबेंस और क्रिएट करने के लिए, तो उसको कर्ब करने के लिए FCRA हुआ था। इन द एटमोसफियर ऑफ फॉरन पावर्स वर इंटरफेयरिंग इन इंडियाज अफेयर्स बाई पंपिंग इन फंड्स थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वजह से इसको किया गया था। सबसे पहले 1969 में लेके इसको बात हुई थी। द लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो, ये ध्यान में रखना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि दिस इज ओनली फॉर द एसोसिएशंस, ओके, बट नहीं इंडिविजुअल्स की। इफ सपोज आई एम इन्वॉल्व इन सम एंटी इंडिया एक्टिविटी, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि मैं किसी ना किसी इंडियन एसोसिएशन से ही रिलेटेड होंगी, तब भी ये जो है इंडिविजुअल्स को भी हम FCRA के अंडर टारगेट किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन नहीं रिसीव कर सकता FCRA के फंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन नहीं रिसीव कर सकता, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, ओके, कोई इलेक्शन के लिए फाइट का वो हो रहा है, ठीक है, तो वो भी नहीं, वो बिल्कुल भी फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर और मीडिया ब्रॉडकास्ट के लोग भी, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रिसीव नहीं कर सकते। जजेस एंड गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड पोलिटिकल पार्टीज नहीं रिसीव कर सकते। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोलिटिकल नेचर, ओके, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टी ना हो के लेकिन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, या फिर वो पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती। ये सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं कौन कौन नहीं रिसीव कर सकता, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी, कोई सपोज दिस इज पर्टिकुलरली हम FCRA की उसकी बात करते हैं, तो अगर आप सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, सपोज मेरा एक NGO है, ठीक है, और मुझे फॉरेन फंड्स जो है रिसीव करने पड़ेंगे। एक तो फॉरेन फंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो पर्सनल, पर्सनल सपोज मेरा कोई रिश्तेदार गया हुआ है, वो मुझे बाहर से वो भेज रहा है फॉरन फंड, वो नहीं इसमें काउंट होंगे। अगर मैं डोनेशंस रिसीव कर रही हूँ, अगर कोई मेरा रिलेटिव गया हुआ है वो डोनेशन में तो नहीं ना काउंट होगा, अगर मैं डोनेशंस रिसीव कर रही हूँ तब मुझे FCRA के अंडर रजिस्टर कराना पड़ेगा। FCRA रजिस्ट्रेंस किसको ग्रांट की जाती है, इंडिविजुअल्स को और एसोसिएशंस को दैट हैव कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम्स। मैं कोई रिलीजियस प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, मैं कोई सोशल प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, मैं कोई NGO स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो सारे के सारे इसमें कवर, कोई भी वो जो है, आप किसी भी इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो आप FCRA के अंडर रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। MHAs, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट मेक्स इंक्वायरीज थ्रू द IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन टू द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड अकॉर्डिंगली प्रोसेस द एप्लीकेशन, ठीक है, कि ये जेन्युइन भी है जिसने भी अप्लाई किया है FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए, ये विद इन 90 डेज आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। जो कि आपको याद रखना है दैट इज दिस, कि इट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। जब ये पास हुआ था ना FCRA एक्ट, तब ये जो एक बार आपने वो ले लिया रजिस्ट्रेशन, तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड था, ठीक है। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 ईयर्स तक के लिए ही वैलिड है, एंड आफ्टर 5 ईयर्स री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ओके। अगर आपका देखो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी में विद इन 6 मंथ्स जो है रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी के, विद इन 6 मंथ्स जो है दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन, हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे NGOs की जो रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट जो है वो बंद कर देती है, उनको डी रजिस्टर कर देती है, सस्पेंड कर देती है, कैंसिल कर देती है। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी NGO इफ इट फाइंड्स टू बी इन वॉयलेशन, ठीक है। तो अभी होम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि जो भी FCRA को वॉयलेट कर रहे हैं हम उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट उसको कभी भी कैंसिल कर सकती है। द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड फॉर द नंबर ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसल द सर्टिफिकेट,
ठीक है। तो और भी कई सारी बातें इसके बिना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे भी है कि उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको कैंसिल कर देना चाहिए। वंस द रजिस्टर ऑफ एन एनजीओ इज कैंसल्ड, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर 3 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक तो आपने याद रखना है कि 5 ईयर्स तक वैलिड होता है, और एक अगर सस्पेंड होगी रजिस्ट्रेशन तो 3 ईयर्स के तक आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस एक्ट को पास करने के बिहाइंड। इट रिक्वायर्स एवरी पर्सन और एनजीओ विशिंग टू रिसीव फॉरन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जो और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, और आप किसी हर बैंक अकाउंट में फॉरेन फंड्स रिसीव नहीं कर सकते। आप एक कोई बैंक अकाउंट खोलोगे, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास होगी, उसी में फॉरेन फंड्स रिसीव किए जाएंगे, और उन फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, किस किस पर्पस के लिए वो मंगाए गए थे। सपोज मेरा कोई एनजीओ है विमेन के लिए, ठीक है, विमेन सेफ्टी के ऊपर मैं काम करती हूँ, तो मुझे जो डोनेशन आएगा वो विमेन सेफ्टी के लिए ही आएगा ना। अब मैं इसको विमेन सेफ्टी में ही लगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इससे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई मैं अपना घर बना लूँ, कोई मैं अपनी गाड़ी ले लूँ, ये सब मैं नहीं कर सकती। मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ विमेन सेफ्टी में ही लगाना होगा, ठीक है। किस किस को प्रोहिबिट करता है हमने देख लिया, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये सब इसमें एग्जम्प्टेड हैं। कुछ चेंजेस किए गए हैं FCRA में, जिसको लेके बार बार न्यूज़ आती रहती है कि ये चेंजेस किए गए हैं। तो पहले तो इंडियन अगर इंडिविजुअल्स हैं तो आप 10 लाख तक एनुअल अपने रिलेटिव से रिसीव कर सकते हो। मैंने बोला ना दो तरह का होता है, तो अभी रिलेटिव से आप 10 लाख तक कर सकते हो, पहले 1 लाख था, अभी ये तो आपको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को चेंज, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो NRIs हैं, तो ये है हमारा। उसके बिना ये है कि अब सपोज करो आपका एनजीओ है ना, तो आपका एनजीओ है और आपने वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, आप अभी FCRA फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव नहीं कर सकते, पर ठीक है कि एनजीओ है लेकिन वो अभी FCRA के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इमीडिएट आपको कोई डोनेट करना चाहता है, कोई आपको फॉरेन फंड देना चाहता है, तो आपको विद इन 45 डेज के अंदर अंदर प्रायर परमिशन लेनी होगी कि जी अभी हमारा रजिस्टर तो नहीं है, हम फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर देंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस फंड को रिसीव करने के लिए परमिशन दे दो। तो 45 डेज के अंदर आपको प्रायर परमिशन, 45 डेज पहले आपको परमिशन ले लेंगे आप। उसके बाद ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग फॉरेन फंड विल नॉट बी एबल टू यूज मोर देन 20% फंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वही कि सपोज विमेन सेफ्टी का एनजीओ है और मैं उसको, चलो घर नहीं खरीद रही, मैं कह दूं जी मैंने विमेन सेफ्टी का ऑफिस बना लिया अपना, ठीक है, उसमें कंप्यूटर्स रख दिए, ये सब बातें, ये सब क्या हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा हो गया। तो अगर मुझे 100 करोड़ एज अ फंड आया तो मैं सिर्फ 20 करोड़ ही इस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के ऊपर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, बाकी का मुझे 80 करोड़ जो है वो एग्जैक्ट जिस चीज़ के लिए मेरा एनजीओ है उसी पे लगाने पड़ेंगे। द लिमिट वॉज 50% बिफोर 2020, पहले 50% तक का जो खर्चा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके ऊपर यूज़ हो सकता था, ठीक है। मेड 5 मोर ऑफेंसेज अंडर FCRA कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेज क्या होते हैं, जिनमें आप सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है, बाहर दोनों पार्टीज मिलके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल। पहले सिर्फ 7 ऑफेंसेज थे, अब 12 ऑफेंसेज जो हैं वो कंपाउंडेबल हैं। क्लियर। तो ये FCRA के बारे में कुछ है। अब आज की कुछ एक न्यूज़ है कि एक पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम बन रहा है केरला में, ओके। तो केरला में है तो ऑडियो विजुअल हिस्ट्री ये सब कुछ है, तो ये हो गया है कि 3 करोड़ म्यूजियम ऐसे हैं, 8 थीम बेस्ड गैलरीज होंगी, ये सब कुछ, तो ये केरला के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन UPSC के लिए आपको इसमें एक्चुअली जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसमें कुछ ना लैंग्वेजेस हैं, कुछ स्क्रिप्ट हैं। द मैन्यूस्क्रिप्ट इज एन एंशियंट स्क्रिप्ट सच एस वेटेजुट्टू, कोलियोजुट्टू एंड मैलानम्मा। कई बार आपको वैसे पूछ लेते हैं कि ये तीनों की तीनों ये वर्ड्स न्यूज़ में है तो ये क्या हैं, दीज आर एंशियंट स्क्रिप्ट्स। तो आपको बस ये याद रखना है कि दीज आर एंशियंट स्क्रिप्ट्स। तो ये सिर्फ स्क्रिप्ट्स का नाम आपको बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ इसमें इंक्लूड की, अदरवाइज ये एज इट इज़ नहीं इम्पॉर्टेंट कि केरला में केरला, अगर हम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम नॉर्मल एग्जाम्स में जाएँ तो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन UPSC में आपको ये जो स्क्रिप्ट्स के नाम है इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो कि ये स्क्रिप्ट्स न्यूज़ में हैं, दीज आर रिलेटेड टू तमिल एंड मलयालम, ठीक है। तो ये एंशियंट तमिल और मलयालम की स्क्रिप्ट्स हैं, वेथेजुट्टू, कोलियाजुट्टू एंड मलयालम, इनको आप ज़रूर जो है कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें गैलरीज हैं म्यूजियम में, हिस्ट्री ऑफ राइटिंग गैलरी, फिर लैंड एंड पीपल, वॉर, एजुकेशन, अलग अलग जो हैं गैलरीज हैं। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इट डेल्व्स इनटू एस्पेक्ट्स सच एज टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन,
एजुकेशन, प्रिजन्स, ठीक है, फेस्टिवल्स, ये सब इसमें स्पेसिफिकली केरला की जो फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री है वो इसमें दिया जा रहा है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. जस्ट रिमेंबर द स्क्रिप्ट. नेक्स्ट न्यूज इज इम्पॉर्टेंट. ये कोई बहुत वो है कि एक बहुत पर्नियल सा इशू बन गया है अब तो, कि लेटेस्ट क्लैश हमेशा आम आदमी पार्टी और जो जो भी रूलिंग पार्टी है और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में हमेशा क्लैश होता है. हमें पता है कि एक यूटी का इशू है दिल्ली का, है ना, और एलजी यूटी और इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ पे, और एलजी जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड, तो दोनों के बीच में एक टसल सा चला ही रहता है, कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को लेके, कभी बिल्स को लेके. ये हम कई बारी सुन चुके हैं कि इनका स्क्रिप्ट चला हुआ है. लेकिन अभी जो है, अभी आज का जो इशू है, दैट इज रिलेटेड टू कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन. ओके, तो सबसे पहले कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन क्या है? तो कमिटी ऑन जो कंटेंट रेगुलेशन है, ये देखो, कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कि कंटेंट को रिव्यू करेगी. रिव्यू करेगी किसको? कंटेंट को. कौन से कंटेंट को? जो कि एडवर्टीजमेंट का कॉन्टेक्ट है, कंटेंट है. ठीक है, अब सपोज करो कोई भी एक पार्टी जो है अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करती है, तो उसमें वो कौन सा कंटेंट यूज कर रही है? कहीं वो किसी दूसरी पार्टी का नेगेटिव साइड तो नहीं दिखा रही? कहीं वो कोई बिन मतलब के पॉलिटिकल पार्टीज को तो नहीं एडवर्टीज कर रही? और फिर ये एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, कहीं वो अपना गवर्नमेंट के उसमें से तो नहीं जा रहा, जैसे रूलिंग पार्टीज हैं? तो ये सब मॉनिटर करने के लिए ये जो है कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये बनाई गई थी. ओके, तो ये CGRA वॉज फॉर्म्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन 2016 में ये बनाई गई थी. तो कौन सा केस? केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था. ये केस भी आपको पता होना चाहिए. तो इस केस के बेसिस पे ये कमिटी बनाई गई थी. दिस बॉडी इज सेट टू रेगुलेट कंटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, फॉर बोथ, फॉर सेंटर एंड स्टेट, दोनों के लिए बनाई गई थी ये जो है कमिटी. 3 members कमिटी है, दोनों के लिए बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाई गई है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ये भी कहा कि आप भी अपने अपने लेवल पे ऐसी एक बॉडी बना सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको ये जो सेंटर की बॉडी है, दैट इज कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, आपको इसी को मानना है. आप अपने लेवल पे भी रिस्पेक्टिव बॉडीज बना सकते हो. While some states have set up committees to regulate public advertising, कुछ states ने ये बनाया भी, लेकिन कुछ ने कहा कि हम CCRGA, that is जो center की body है, to give consent to the CCRGA to monitor their advertisements. ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ कि Supreme Court की judgment के कहने पे एक CCRGA करके committee बनाई गई. इस CCRGA center और state दोनों के लिए बनाई गई. स्टेट्स अपनी मर्जी से बना भी सकती थी. कुछ स्टेट्स ने इसको एग्री किया, कुछ स्टेट्स ने इसी CGRE को ही फॉलो करना शुरू कर दिया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी इशू किए थे. ठीक है, कि जो पब्लिक फंडेड एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, पब्लिक फंडेड एडवर्टीजमेंट्स कौन सी होगी? सरकार के पैसे से जा रही है, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है. अब आप पब्लिक फंडेड एडवर्टीजमेंट्स को अपने बेनिफिट के लिए नहीं यूज कर सकते. ठीक है, सम ऑफ द गाइडलाइंस मेंशन इंक्लूड द गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग शुड मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. पता लगा आप कही जाओ कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी, दूसरी बुरी है. ग्लोरिफिकेशन नहीं करना आपने अपनी पार्टी का. आप अपने प्रोग्राम्स बताओ कि हाँ, हमने आधार प्रोग्राम लॉन्च किया है, हमने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की है. लेकिन आप अपने पोलिटिकल लीडर्स को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, और आपको पोलिटिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चलना है, और ग्लोरिफिकेशन ऑफ पोलिटिकल पर्सनैलिटीज, और ना ही आप अपनी पार्टी का पॉजिटिव इंप्रेशन देने के लिए दूसरी पार्टी का नेगेटिव इंप्रेशन दे सकते हो. ओके, तो 3 बातें हो गई. ठीक है, एक तो है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, अपनी पार्टीज का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना, अपनी पार्टी को पॉजिटिव दिखाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को नेगेटिव नहीं दिखाना. तो ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे. क्लियर, तो सुप्रीम कोर्ट ने CGRA बनाया, गाइडलाइंस दिए. अब हुआ क्या, देखो, अब जब स्टेट्स को कहा गया कि आप अपने अपने लेवल पे अपनी कमिटीज भी बना सकते हो, तो बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं बनाया, और दिल्ली बींग अ यूटी, दिल्ली ने भी वो कमेटी नहीं बनाई. तो कांग्रेस के एक लीडर ने, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके केस कर दिया कोर्ट में कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेटेड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा. तो दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा. दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इन्फॉर्म द, लेकिन उसके फिर CGRA ने दिल्ली से गवर्नमेंट से पूछा कि हाँ भी बताओ. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको कहा कि हम अपनी खुद की कमेटी अपॉइंट करेंगे, उनको बताएंगे. क्लियर,
तो किया हुआ कि कांग्रेस ने इनको बोला, कांग्रेस के एक लीडर ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, तो सीसीआरजी जो कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी थी, ये गई इनके पास कि हाँ बताओ भी क्या चल रहा है तुम्हारा। तो ये कहते हैं कि हम आपको नहीं जवाब देंगे, हम तो अपनी स्टेट की अपनी खुद की रिस्पेक्टिव बॉडी सेट करेंगे तब जाके आपको बताएंगे। अब ये मैटर हाई कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो ऐसी बॉडी नहीं बना सकती। ओके, तो यूनियन टेरिटरीज ऐसी बॉडी बना ही नहीं सकती, तो आप कहाँ से बना लोगे, तो आपको इसी को जवाब देना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट है, दे हैव वायलेटेड द गाइडलाइंस ऑन वेरियस फ्रंट सच एज, उन्होंने फॉल्स एड्स पब्लिश की हैं ऐसा इनके ऊपर कहा जाता है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन किया है, पोलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट किया है, तो ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो अब हाई कोर्ट ने इनको कहा है कि भाई आपके ऊपर इतना कोई करोड़ का फाइन बनता है, आप इसको पे करो। तो अब ये कह रहे हैं हम नहीं पे करेंगे। तो ये दोनों के बीच में एक सीन सा ऐसे चला हुआ है। आपको याद रखना है कि व्हाट इज दिस सीसीआरजी, जो कि एडवर्टीजमेंट कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाई गई, और ये दोनों के लिए बनाई गई, ठीक है। और ये केस चाहे आम आदमी पार्टी का, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि स्टेट्स भी बना सकते हैं लेकिन यूटीज नहीं बना सकते, एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर यूटीज इसको नहीं बना सकते। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेस्ट क्लैश दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड दिल्ली एलजी। नेक्स्ट जो हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ की थी, दी INS मुरमुगाव, ठीक है, जो हमारा एक INS में इंक्लूड किया गया है एक इंडियन नेवी में, ठीक है, दिस इज़ अ क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर एक्चुअली, तो इसको इंक्लूड किया गया है। इसको आपको वैसे आइडली यहीं से कर लेना चाहिए जस्ट में, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। INS मुरमुगाव हैज़ ऑफिशियली जॉइन द इंडियन नेवीज फ्लीट, मेकिंग अ सिमिलर माइलस्टोन, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडिजिनस मिलिट्री एक्सपीडिशन, ठीक है। इसका जो नाम था दैट वॉज यार्ड 1207, ठीक है, यार्ड 12705। उसके बाद इसको मुरमगाव, जो गोवा की एक सिटी है, उसके बेसिस पे करा गया। इसको प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें आप ब्रह्मोस मिसाइल और ब्राक 8 दोनों की दोनों मिसाइल्स को यूज कर सकते हो। ओके, द एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेल्थ वॉरशिप। स्टेल्थ वॉरशिप क्या होता है कि ये एक तरह से इनविजिबल हो जाए, रडार में ना आए। ओके, तो ये इसमें ये प्रॉपर्टीज ऐड की गई हैं। थोड़ा सा इसमें से भी देख लेते हैं। इन अ बूस्ट टू कंट्रीज मैरिटाइम कैपेबिलिटी, INS मुरमुगाव हैज ऑफिशियली जॉइन द इंडियन नेवीज फ्लीट, मेकिंग अ सिमिलर माइलस्टोन फॉर इंडियन मिलिट्री एक्सपीडिशन। इसका जो नाम था दैट वॉज योर 1205। इट इज द सेकेंड ऑफ फोर, चार हैं, विशाखापट्टनम फर्स्ट थी, ठीक है, पहली थी विशाखापट्टनम, फिर हमने देखा ये मुरमगांव, फिर है इम्फाल, INS इम्फाल जो बाद में होनी है, फिर है सूरत। ओके, तो ये चार हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर। ये सारी किस प्रोजेक्ट के अंडर आती हैं? प्रोजेक्ट 15B के अंडर। ओके, तो एक प्रोजेक्ट 15 था, एक प्रोजेक्ट 15A था, नाउ दिस इज प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15B के अंदर ये चार बनानी है। मुरमगांव हमने देख लिया, विशाखापट्टनम पहले से है, इम्फाल और सूरत आने वाले टाइम में नेवी में इंडक्ट की जाएंगी। तो प्रोजेक्ट जो 15 था, 15 का नाम था दिल्ली क्लास, 15A was Kolkata class and 15B is Vishakhapatnam class। Okay? आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसमें बताओ कौन कौन सा था दिल्ली में कोलकाता में, नहीं, बस रिमेंबर कि 15 was Delhi class, 15A for Kolkata and 15B for Vishakhapatnam। Okay? तो 15B और Vishakhapatnam class is a follow-on on project 15A destroyers। ठीक है जी, लीडरशिप जो 15B की थी दैट इज INS विशाखापट्टनम, ये पहले ही कमीशन कर दी गई है। तो इसमें यह है कि 30 नॉट्स तक का ये स्पीड अचीव कर लेगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है इसमें। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। स्टेल्थ फीचर क्या है? रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन और रडार सिग्नेचर। रडार के अंडर नहीं आएगा ये, दूसरे कंट्रीज इसको वो नहीं कर पाएंगी, ट्रैक नहीं कर पाएंगी। कुछ इसमें फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसमें हैं, ये आपको अलग से ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बिल्ट विद ओवर 75% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट, ठीक है, इट इज़ अ शॉट इन द फॉर्म ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंस एंड क्रूशियल फॉर 15-year इंडियन लेवल इंडिजिनस प्लान। तो 75% इंडिजिनस कंटेंट लगा हुआ है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि इसी के बारे में कि क्या क्या बातें हैं। ये मुरमगांव गिव्स द मोस्ट टू इंडियन नेवी, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं ये, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इसराइल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जॉइंटली डेवलप बाई इंडिया एंड डिस्ट्रॉयर। फोर डिस्ट्रॉयर्स हैं, कौन कौन से? विशाखापट्टनम, मुरमगांव, सूरत एंड इम्फाल, ये चारों के चारों। ओके, तो नेम्ड आफ्टर गोवन पोर्ट ऑफ मुरमगांव, ये इसका वेट है। बराक एंड ब्रह्मोस भी इसमें हम इंडक्ट
कर सकते हैं। इंडियाज इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम 90s में शुरू हुआ है, 15 प्रोजेक्ट 15 वॉज डेली क्लास, प्रोजेक्ट 15 ए वॉज कोलकाता क्लास, प्रोजेक्ट 15 बी इज नाउ विशाखापट्टनम क्लास। इसमें चार हैं, ठीक है, ये चारों के चारों, विशाखापट्टनम, मुरमगांव, इम्फाल, सूरत। द डिस्ट्रॉयर्स केम नेक्स्ट टू ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है एक हमारा INS विक्रमादित्य, तो जितनी इसमें कैपेबिलिटी है उसके दूसरे नंबर पे ही आते हैं ये, ठीक है। तो INS विक्रमादित्य इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रपोज की गई है, ठीक है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी एज इट इज हमें नहीं पता होना चाहिए कि ओके इंडोनेशिया के, ठीक है, इंडोनेशिया के विस्कस फाइबर के ऊपर इम्पोज की गई है, इससे पहले स्टील के ऊपर इम्पोज की गई थी, तो हमारा ये कंसर्न नहीं है कि किसके ऊपर है, हमारा कंसर्न है कि व्हाट इज एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है। ओके, देखो डंपिंग से मतलब क्या है, डंपिंग का मतलब क्या है कि डंप करना, फेंक देना किसी भी चीज़ को, कोई बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में डंप कर देना चीज़ को। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि सपोज करो कोई भी कंपनी जो है, अब सपोज चाइना जो है, चाइना एक पेन को, इंडिया में हम कहते हैं कि पेन्स हैं, इंडिया में डंप कर रही है, अब सपोज चाइना में उस पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, उसकी कॉस्ट जो आई बन के 10 रुपीज, लेकिन चाइना उसको 8 रुपीज का करके, ठीक है, अब इंडिया में भी एक 10 रुपीज का पेन है, लेकिन चाइना अपने पेन्स को 8 रुपीज का करके इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इफ अ कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स होम मार्केट, तो अपने मार्केट में वो उस पेन को 10 रुपए का बेचेगा लेकिन इंडिया में वो उसको 8 रुपए का भेज रहा है, तो इट इज सेट टू बी डंपिंग द प्रोडक्ट्स, इसको वो कहते हैं कि डंप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो इससे होगा क्या, अब इसमें हमारे इंडिया में भी 10 रुपए का पेन मिल रहा है लेकिन चाइना 8 रुपए वाला भेज रहा है, तो हम 8 रुपए वाला खरीदेंगे, ये वाला जो है हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है इसमें डंपिंग ड्यूटी जो है लगा देती है, जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको बैलेंस कर देगी, 8 रुपए का पेन चाइना दे रहा था, गवर्नमेंट इसके ऊपर 2 रुपए का ड्यूटी लगा देगी, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। इधर भी देखते हैं, एंटी डंपिंग मेजर्स आर अगेंस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और कंट्री के ऊपर हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस के अगेंस्ट होते हैं, अनफेयर कंपटीशन है जब फॉरेन एक्सपोर्ट से, तब ये जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो हैं लिवाई की जाती हैं। एक और तरह की ड्यूटीज होती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी मेजर्स। काउंटरवेलिंग ड्यूटी मेजर्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर हर्ट बाय इंपोर्ट्स ऑफ सब्सिडाइज प्रोडक्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड। अब देखो वही पेन की एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 रुपए का पेन चाइना में बन रहा था, कॉस्ट जो है 10 रुपए की थी, अब चाइना जो है इस 10 रुपए को, 10 रुपए जो चाइना के प्रोड्यूसर्स हैं जो इस पेन को बना रहे हैं, वो कहेंगे हम तो जी 10 रुपए में ही देंगे, लेकिन चाइना अपने पेन के प्रोड्यूसर्स को 2 रुपए की सब्सिडी दे देता है, ठीक है, 2 रुपए की सब्सिडी अगर चाइना दे देता है, तो अब इनको तो 10 रुपए से मतलब है, 2 रुपए इनको चाइना से आगे, बाकी बचे 8 रुपए, तो 8 रुपए में ये पेन जो है इंडिया में भेजेंगे, तो ये उनकी कंट्री ने अपने लोगों को जो सब्सिडी दी उसके चक्कर में इंडिया का नुकसान हो गया, ठीक है। देखो इफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, सपोज चाइना है, दे आर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, इंडिया के प्रोड्यूसर्स, दे आर हर्ट बाय इंपोर्ट्स ऑफ सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमने उनका पेन इंपोर्ट किया जो कि उनकी कंट्री में सब्सिडी पे था, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी, तब हम उसके अगेंस्ट क्या लगाएंगे, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। हो तो दोनों को ही नुकसान रहा है, ठीक है, डंपिंग में, डंपिंग में चाइना जानबूझ के 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने वहां पे 2 रुपए की सब्सिडी दे रहा है अपने प्रोड्यूसर्स को, ताकि सब्सिडीज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो इस वजह से होता है। सेफगार्ड मेजर्स क्या होते हैं, सेफगार्ड मेजर्स होते हैं कि ये अभी सोलर प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत न्यूज में होते हैं, सेफगार्ड मेजर्स कोई ड्यूटी या कोई कंट्री का बात नहीं होती इसमें, सेफगार्ड का होता है कि गवर्नमेंट एक पूरे प्रोडक्ट के ऊपर ही ड्यूटी लगा देती है, कि सपोज अभी सोलर पैनल्स इंडिया में, हम चाहते हैं कि इंडिया के सोलर पैनल्स बिके, बाहर के नहीं, तो गवर्नमेंट कहेगी कि सोलर पैनल्स किसी भी कंट्री से आए हम उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी चार्ज करेंगे, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डंपिंग और सब्सिडी मेजर्स, कोई भी आप अपना, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी जो है लगा सकते हो, दिस इज ऑन प्रोडक्ट नॉट ऑन कंट्री, ठीक है, आप पूरे उस पर कह सकते हो, ग्लोबल मेजर है, इम्पोज्ड ऑन ग्लोबल इम्पोर्ट्स, सडन सर्ज इन इम्पोर्ट्स हो गए, ठीक है। देखो सेफगार्ड एक्शन इट अलाउज अ कंट्री टू टेम्पररली रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इफ इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज इंजर्ड और थ्रेटन्ड बाय इंजरी ड्यू टू एन इम्पोर्ट सर्ज, तो हम टेम्पररी बेसिस पे प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, नॉट ऑन द कंट्री, क्लियर।
तो ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट इज इंडिया ने कहा है कि हम एक कार्बन मार्केट, कुछ टाइम पहले इन्होंने बिल पास किया था एनर्जी कंजर्वेशन बिल वाला, ठीक है, तो उसमें 2022, तो उसमें कुछ मेजर्स थे, उसमें एक मेजर था कार्बन मार्केट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन मार्केट देखते हैं क्या होती है। इन क्रिएटिंग अ कार्बन मार्केट अ कंट्री सेट्स लिमिट ऑन एमिशंस एंड देन एलोकेट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेबल परमिट और क्रेडिट्स, एक लिमिट लगा दी जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनी ए कंपनी है, ये कंपनी ए एंड कंपनी बी, ठीक है, तो इंडिया ने इनको कहा है कि आप एक साल में 100 टन तक CO2 एमिट कर सकते हो। ओके, इसको भी 100 टन ऑफ CO2 ही एमिट करना है। ओके, दोनों को 100 100 टन करना है, लेकिन इसने एक साल में 120 टन एमिट कर दिया और इसने एक साल में किया सिर्फ 80 टन, ठीक है। 100 टन अलाउड था कि, लेकिन इसने सिर्फ 80 किया और इसको 100 टन अलाउड था, इसने 120 कर दिया। अब हुआ क्या, अब सबसे पहले इस पे आते हैं, इसने सेव किया, तो अब इसके जो 20 टन सेव हुए हैं एक साल में, उसके बदले में इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको हम बोलेंगे कार्बन क्रेडिट, ठीक है। 20 टन का कार्बन क्रेडिट इसको मिल जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये ट्रेड कर सकता है, ये सबको कह सकता है भाई देखो मैंने 20 टन सेव कर लिया, नाउ आई हैव द कार्बन क्रेडिट। अब लेकिन अब इसके ऊपर आते हैं, अब इसने 20 टन एक्सेस में किया हुआ है, ओके? अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है ये बाय करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि इसको सिर्फ 100 अलाउड था, इसने ज्यादा किया, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए 20 टन का सर्टिफिकेट इससे बाय करना पड़ेगा। तो इसको क्या होगा, बेनिफिट होगा क्योंकि इसने बचाया, और इसको क्या होगा, इसने परचेज किया तो इसको उसका नुकसान होगा। ओके? तो ये है, तो कार्बन मार्केट यही होता है। कार्बन मार्केट में गवर्नमेंट यही करती है कि एमिटर्स के ऊपर एक तरह से वो कर देते हैं, ठीक है। इन कार्बन मार्केट अन क्रिएटिंग अ कंट्री सेट्स लिमिट ऑन एमिशंस एंड देन एलोकेट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेबल परमिट्स और क्रेडिट्स टू द एमिटर्स। ओके, परमिट्स दे देते हैं, और ये लिमिट्स कौन सेट करता है, ये गवर्नमेंट सेट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट सेट करेगी कि इतना आप लिमिट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। और अब ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी इसमें से पैसा आएगा, क्रेडिट्स में से जो भी पैसा आएगा, उसको हम अलग से एक स्टेबलाइजेशन फंड में रखेंगे। ओके? कि अलग से, अभी ये ऐसे बना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको कार्बन मार्केट समझाने के लिए कहा कि हम एक अलग से फंड बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टेबलाइजेशन फंड, और उसके अंदर हम कार्बन क्रेडिट रखेंगे, और उस फंड को फिर हम यूज करेंगे कि कभी भी मार्केट में, ठीक है, कभी भी कार्बन क्रेडिट, अब ये 20 टन वाला जो है उसने सेव किया, ए बी ने, उसको सेव करने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसका प्राइस ही बहुत कम है, तो उसको फिर सेव करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो अगर शार्प फॉल हो गया प्राइसेस में, तो वो इट कुड डिस्करेज द इंडस्ट्रीज फ्रॉम रिड्यूसिंग CO2 एमिशंस। ओके? तो इस वजह से अगर कभी भी मार्केट में ऐसा हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, स्टेबलाइजेशन फंड है, उसको तब जो है यूज करेंगे। ओके? अब एक चीज और है कि ये शार्प फॉल कब होगा, जब बहुत सारे कार्बन क्रेडिट हैं, मतलब अनलिमिटेड कार्बन क्रेडिट मार्केट में पड़े हैं, तो उस टाइम पे अनलिमिटेड कार्बन क्रेडिट को कौन बाय कर लेगा, गवर्नमेंट बाय कर लेगी, कोई भी मार्केट रेगुलेटर होगा वो कार्बन क्रेडिट्स को बाय कर लेगा, और ताकि उसके प्राइसेस जो हैं दोबारा से अप हो सके। क्लियर? तो ये है इंडिया का एक प्लान कि हम ऐसा करेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि वॉट इज दिस कार्बन मार्केट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारा एडिटोरियल वीडियो में। ओके? तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज इम्पोर्टेंट न्यूज़।